जो एरिया है ना तेजा वारी पूछल पुलिस वाला ही मारी जा कहीं जो राष्ट्र विरोधी जो संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, उनका हाथ इस घटना में, क्योंकि इस जगह पे ये चौथी घटना है, पहली घटना नहीं है। यहाँ सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, पीछे से सुंदरकांड के पाठ के हनुमान जी की मूर्ति जो थी उसको गिराने का प्रयत्न किया, उसके बाद स्याही फेंकी गई। उसके बाद यहाँ ऋषि संघ आश्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्राथमिक वर्ग चल रहा था, उस प्राथमिक वर्ग के अंदर चार लोग अपने आप को हिंदू बता के घुसे, बाद में विधर्मी पकड़े गए, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मूल बात यह कि यहाँ जो असामाजिक तत्व इस पूरे क्षेत्र के अंदर है, क्योंकि घटना यही यहाँ से 500 किलोमीटर दूर की है, हुसैन कॉलोनी के अंदर यह घटना हुई और पूछ यहाँ हनुमान जी के मंदिर के ऊपर डाली गई। इसका मतलब हिंदू समाज आंदोलित हो, दंगा हो और संपत्ति का नुकसान हो, वो ये चाहते हैं। हमने पुलिस प्रशासन को समझ दिया है कि 2 घंटे के अंदर इन अपराधियों को पकड़े ही नहीं, उनकी जो संपत्ति है वैध अवैध सारी को नष्ट करे। जब तक योगी राज जी का ऐसा काम नहीं होगा तब तक आगे शांति नहीं होगी। यहाँ आदित्यनाथ जी योगी के जो शांति की उत्तर प्रदेश में, वो सिस्टम भजन लाल जी को भी अपनाना पड़ेगा, अन्यथा ये घटनाएं होती रहेगी। और यह घटनाएं रोकने का एकमात्र उपाय है ऐसे दुष्टों को सजा हो और उनकी संपत्ति टूटे। आश्वासन दिया हुआ है, शीघ्र हम उसको पता करेंगे, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हम सब कार्रवाई की जाएगी। मीनवाइल कुछ दोनों ही पक्षों के लोग वहां एकत्रित होने लगे थे, तो आमना सामना नहीं हो, किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, फोर्स थोड़ा यूज करके उनको खदेड़ा गया वहां से, ताकि कोई आमना सामने टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। वर्तमान में सबका डिस्पर्शन वहां से मौके से हो चुका है और शांति है, पुलिस गश्त जारी है, टिकट्स लगी हुई है। मेरी सभी भीलवाड़ा शहरवासियों से दिल्लीवासियों से अपील है, हम इसमें बिल्कुल तुरंत कार्रवाई करेंगे और प्रकरण पंजीबद्ध कर दूसरे मृतकों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही कोई असामाजिक तत्व जो इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं या किसी प्रकार से कोई भड़काने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का पोस्ट डालने की कोशिश करते हैं, उनके प्रति भी हम विजिलेंट हैं, उनके खिलाफ भी सख्त।